हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और हेल्दी केक की रेसिपी बताने वाली हूँ। इसे मैंने 2 केले से बनाया और 1 चम्मच बस गेहूं के आटे से। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है 1 अंडा, सिर्फ 1 अंडा लेना है। और उसके अंदर हमने डाल देनी है 1/2 कटोरी पिसी हुई चीनी। और इसको अच्छे से हमने फैट लेना है, या फिर आपके बीटर आता है उससे आप इसको अच्छे से बीट कर लेना, जो इसका कलर है ना वो चेंज हो जाए। तब तक हमने इसको अच्छे से बीट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी येलो दिख रहा है और धीरे धीरे इसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। और यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, मतलब अच्छे से ये बीट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है ऑयल, और ऑयल मैंने छोटे चम्मच से 4 चम्मच लिया है बस। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने कोकोआ पाउडर ले लिया है, इसको भी डाल देंगे इसके अंदर। और फिर से इसको हमने 1 से 2 बार में बीट कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये केक आपने एक बार बना के ट्राई कर लिया ना तो आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं ले लूँगी यहाँ पे बनाना। तो सबसे पहले मैंने 1 बनाना ले लिया, इसको अच्छे से छील लेंगे और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ लेना है। इसको बिल्कुल ऐसे तोड़ लेंगे, या फिर आप एक मिक्सी जार में लेके उसको ब्लेंड भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसको ना फोक के साथ इसको अच्छे से मैश करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 बनाना ले लिया, दोनों को तोड़ लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो चम्मच की मदद से मैं इसको मैश कर रही हूँ। और मैंने बताया था कि आप मिक्सी जार में भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो अगर आप जल्दी मतलब बनाना चाहते हो। तो मैंने अच्छे से मैश कर लिया और इसको मिक्सचर के अंदर डाल देना है साथ में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें हमने 1 चम्मच बस गेहूं का आटा डालना है, उससे ज़्यादा हमने इसके अंदर नहीं डालना। या फिर आप 1.5 चम्मच डाल सकते हो। और इन सभी को अच्छे से अब मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में फिर से मिक्स हो जाए, तभी हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। इस केक के अंदर हमने 1 चम्मच भर के आटा डाला है बस, ज़्यादा हमने आटा नहीं डाला। इस वजह से ये ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं बनेगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, चॉकलेट की तरह मुँह में डालते ही घुल जाएगा। अब यहाँ पर फैटने के बाद मैंने वनीला एसेंस डाल दिया और बिल्कुल 2 चुटकी हमने बेकिंग सोडा डाल देना है, जिसे खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। और इनको हमने अच्छे से लास्ट में फिर से मिक्स कर लेना है। और भी कई तरीके के केक मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। हमारा जो मिक्सचर है केक का बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए। अब हमने एक मोल्ड ले लेना है जिसमें मैंने बटर पेपर पहले से लगा के रखा है, उसके अंदर हमने सारा मिक्सचर डाल देना है बिल्कुल अच्छे से। और हल्का हल्का इसको डैप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने डैप कर लिया और मैं इसको कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो कढ़ाई को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ है। मोल्ड को हमने कढ़ाई के अंदर डाल देना है और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लेना है। हमारा जो केक है बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो ढक्कन पे छेद है उसको भी मैंने बंद कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो जो हमारा केक है अच्छे से फूल गया है, लेकिन ये ठंडे होने के बाद ये अच्छे से बैठ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने ज़्यादा आटा नहीं मिलाया है। ये हमने चॉकलेट की तरह बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ठंडा होने के बाद हमने इसके किनारे को निकाल लेना है अच्छे से और इसको ऐसे पलट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से निकल चुका है। और बटर पेपर को हमने निकाल लेना है और इसको हमने पीसीज में कट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो चाकू की मदद से मैं अच्छे से इसको कट कर रही हूँ। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। और यहाँ पर देखिए हमारा जो केक है बनकर तैयार हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो आप केक देख रहे हो, ये केक मैंने अपनी छोटी बहन के लिए बनाया था। उसको बहुत दिनों से मन कर रहा था ये बनाना केक खाने के लिए, तो मैंने उसी के लिए केक बनाया है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये केक। अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक